बिहार में भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ महागठबंधन के बीच जुबानी जंग जारी है। बीजेपी महागठबंधन के खिलाफ हमलावर है, हालांकि ज्यादातर बीजेपी के निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। वहीं अपने बयानों को लेकर चर्चा में आए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को बीजेपी ने आरजेडी का सीक्रेट एजेंट बताया है। बीजेपी का दावा है कि ललन सिंह अब लालू प्रसाद की कंपनी आरजेडी से सीक्रेट एजेंट बन कमीशन में जुटे हैं। उधर आरजेडी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर ने महागठबंधन सरकार को कमजोर करने के लिए बीजेपी से सुपारी ले ली है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रवक्ता राजीव रंजन ने ललन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने ललन सिंह को अपमानित कर जेडीयू से निकाला था, उसे वह भले ही भूल गए हों, लेकिन ललन सिंह उसे बिल्कुल नहीं भूले हैं। वहीं आरजेडी भी नीतीश के हाथों अपनी बेइज्जती को भूला नहीं है। दोनों ने नीतीश को जड़ से उखाड़ने की कसमें खाई थी। यही वजह है कि ललन सिंह अब लालू प्रसाद यादव की कंपनी आरजेडी के सीक्रेट एजेंट बनकर उस मिशन को पूरा करने में दिन रात जुटे हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि इधर नीतीश कुमार भी ललन सिंह के बुने जाल में उलझ चुके हैं और खुद ही आश्रम जाने के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। उधर आरजेडी ने प्रशांत किशोर को बीजेपी का एजेंट बताया है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि बिहार से मोदी को सबसे ज्यादा चुनौतियां मिल रही हैं। उसी चुनौती को कमजोर करने के लिए पीके ने बीजेपी से सुपारी ले ली है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि पीके ने अब तक गांधी को खलनायक और नाथूराम गोडसे को नायक बताने वालों की राजनीति के विषय में अपना मुंह नहीं खोला है। प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए आरजेडी नेता ने कहा कि देश में आज मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत और घृणा का अभियान चलाया जा रहा है, क्या पीके उसका समर्थन कर रहे हैं।